हेलो एवरीवन, दिस इज यश हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है Hyundai Verna कार के ऊपर। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये गाड़ी की कंडीशन कैसी है। राइट साइड से ये गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है। तो अनफॉर्चुनेटली कस्टमर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये गाड़ी को ऑटो रिक्शा ने साइड से पूरा घिस लिया था। तो इसके रियर के क्वार्टर पैनल से लेके पीछे के डोर से लेके आगे का डोर और आगे का फेंडर, ये चारों पैनल इसे डैमेज हो चुके हैं। तो कस्टमर हमारे पास आए हैं एंड ये गाड़ी का जो है काम हम इंश्योरेंस में करने वाले हैं। सो बेसिकली इंश्योरेंस का प्रोसेस ऐसा होता है कि कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि इनकी कार के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। देन कंपनी सर्वेयर अपॉइंट करती है, सर्वेयर वर्कशॉप पे आके गाड़ी को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करते हैं, उसके सारे पिक्चर्स लेते हैं एंड देन हम सर्वेयर को कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। सर्वे कोटेशन अप्रूव करते हैं एंड देन हम गाड़ी का काम शुरू करते हैं। तो अप्रूव होने के बाद हमने गाड़ी का डेंटिंग का काम पहले से शुरू किया। सारे बॉडी की जो शेप है उसे प्रॉपरली लेवल में लाया है हमने। तब देख सकते हो इसका गाड़ी का पूरा डेंटिंग का काम जितना भी है वो पूरा हो चुका है। अगले स्टेप में हम ये पुराना पेंट है उसको पूरा सैंड डाउन करेंगे। सैंडिंग होने के बाद अगले स्टेप में हम गाड़ी का बेस वर्क शुरू करेंगे। सो डेंटिंग की मदद से हम गाड़ी के बॉडी शेप को प्रॉपरली लाइन पे ला सकते हैं, बट हाउएवर वो पूरा स्मूथ नहीं होता है, प्रॉपरली प्लेन नहीं होता है जैसे कि वो पहले था। सो बेसवर्क ही एक प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी फिलर की मदद से गाड़ी के जो पैनल्स है उसकी जो सरफेस है उसे हम स्मूथ करते हैं, इसे प्रॉपरली प्लेन करके लेवल में लेके आते हैं। सो जहाँ जहाँ डेंटिंग किया वहाँ बॉडी फिलर फिल करने के बाद हम उसे फिर से सैंड डाउन करेंगे। तो ये गाड़ी का बेसवर्क पूरा हो चुका है। अगला स्टेप होता है गाड़ी में प्राइमर एप्लीकेशन करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में जो प्राइमर एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। तो जहाँ जहाँ भी हमने बेस वर्क किया, जहाँ भी हमें लगा कि प्राइमर अप्लाई करना चाहिए, तो वहाँ हमने गाड़ी में प्राइमर अप्लाई कर लिया है। तो अभी हम प्राइमर को भी प्रॉपरली सैंड डाउन करेंगे। सो प्राइमर का सैंडिंग होने के बाद अगले स्टेप में हम कार का पेंटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करने वाले हैं। सो गाइस, अक्सर बहुत लोग को एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम गाड़ी के दो तीन पैनल्स को पेंट करें एंड बाकी के पैनल्स को ऐसे ही छोड़े तो दोनों पैनल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा एंड कलर पूरा मिसमैच होगा। सो गाइस, आज के डेट में ये प्रॉब्लम को फेस करने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम होती है, क्योंकि आजकल काफ़ी एडवांस कलर मिक्सिंग टेक्निक्स होती है जिसमें हमें गाड़ी के ट्रिम में गाड़ी का एक कलर कोड दिया जाता है। तो कलर कोड के अकॉर्डिंगली हम पेंट को तैयार करके उसे फिर से पेंट कर सकते हैं। सो अब बात यह आती है कि इस काम को इंश्योरेंस के थ्रू कराना सही डिसीजन था या नहीं। अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि अगर आप ये इंश्योरेंस क्लेम कराते हो तो आपका नो क्लेम बोनस जो है वो चले जाता है एंड अगली बार आप जब इंश्योरेंस रिन्यू कराओगे तो आपको जो प्रीमियम है वो ज़्यादा आने वाला है। तो ये आपको डिसाइड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी का रिपेयर का कॉस्ट अगर आपके नो क्लेम बोनस के डिस्काउंट के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द इंश्योरेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिपेयर कॉस्ट आ रहा है 10,000 रुपीज़ एंड आपका नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट है 2,000 रुपीज़ का, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द इंश्योरेंस। अगर आपका कॉस्ट नो क्लेम बोनस से काफ़ी कम आ रहा है रिपेयर का, देन आपको इंश्योरेंस ऑप नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्टली जो है गाड़ी को रिपेयर कराना चाहिए। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो। सो गाड़ी का जो है पूरा पेंट जॉब हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप में हम गाड़ी का जो है फाइनल पॉलिशिंग कर रहे हैं। तो ये पॉलिशिंग में पेंट में छोटा मोटा जो करेक्शन होता है वो सारा हो जाता है एंड गाड़ी का जो फाइनल लुक आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। गाड़ी का पॉलिशिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। चलिए अब हम आपको बताते हैं गाड़ी के फाइनल शॉट्स। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी का जो फाइनल लुक है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूलना। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम ऐसे ही वीडियोज और लाते रहेंगे। सो गाइस, मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ़।